7 दिसंबर 1953 में 5 पवित्र नदियों वाली भारत की पावन भूमि पंजाब के एक छोटे से कस्बे बटाला में महाराज दर्शनदास जी का जन्म हुआ। उनका जन्म बटाला के पवित्र कंद साहिब गुरुद्वारा, जहां श्री गुरु नानक देव जी की शादी हुई थी, उसी के समीप ही एक बहुत ही साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तब पिता श्री जगन्नाथ और माता श्रीमती चन्नदेई को कहां पता था कि उनके कुल के दीपक से एक दिन पूरा संसार रोशनमय होगा। माता पिता ने उनका नाम दर्शनलाल रखा। जब वे 13 साल के थे तो एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। रोज की तरह वे चारा उठाने लगे तो चारा नीचे गिर गया। तभी बालक दर्शन को एक आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो एक तेजस्वी पुरुष अपने सुंदर चमकीले घोड़े के साथ खड़े थे। उन्होंने अपने घोड़े के लिए चारा मांगा। दर्शनलाल चारा देकर बचा हुआ चारा उठाने लगे तो उस पुरुष ने कहा, बोझ उठा लोगे? वे बोले, इतना बोझ तो रोज उठाता हूँ। पुरुष ने कहा, ये बोझ नहीं, तुझे तो संसार का बोझ उठाना है। चारा उठाकर बालक ने ज्यों ही पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। छोटी उम्र के होने के कारण दर्शनलाल ये समझ नहीं पाए कि संपूर्ण सृष्टि का परिचालन करने वाली शक्ति उनसे मिलने आई थी, या वो नियंता दिव्य शक्ति अपने प्रिय भक्त की परीक्षा ले रही थी। क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों से किस रूप में मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। इसके पश्चात उनकी प्रवृत्ति बिल्कुल ही बदल गई। अब उन्हें न खाने की सुध रहती, न किसी और चीज की, लेकिन उनमें एक ऐसी दिव्य शक्ति आ गई जिससे वो भविष्य काल को भी देखने लगे। कहाँ, क्या, कब होगा, ये उन्हें ज्ञात होने लगा। अहीं पूछिए के की गल है, बाहर को गल हुई है, स्कूल च को गल हुई है, जे तो चुप फड़ी है तो बोलदा नहीं, आंदा ना कोई गल नहीं हुई। समय चक्र अपनी गति से चल रहा था। वे लोगों के कष्ट को हरने लगे, लेकिन स्वयं बहुत ही गुमसुम रहने लगे। माता पिता को इस बात की चिंता खाई जा रही थी। उन्होंने दर्शनलाल जी को मासी के घर जलंधर भेज दिया, जहां उनका वातावरण भी बदल जाएगा और कुछ कामकाज करेंगे तो मन भी बहल जाएगा। ये उठे गए तो मासी जा कहन लगे कि साडे पापा जी आंदे ने कि मैं इन्हां नूं किते बाहर नहीं जान देना, तो मेरा मन करदा मैं बाहर नौकरी नाकरी करा। वो कहते तेरा दिल करदा ना। फिर उन्होंने ना एक भगवान सिंह सी, उन्हूं उन्हें गल की, बर्फ वाले फैटी चीनू लाता। नेक दिल कहीं भी रहे, नेक काम करेगा और नेकी से पेश आएगा। दर्शनलाल जी ने फैक्ट्री में सभी का मन मोह लिया, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन फैक्ट्री में काम करते करते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, मन बेचैन हो उठा। वे जल्दी ही घर आ गए। विधाता के विधान में आज वो समय आ गया था जब दर्शनलाल जी को ज्योति मिलनी थी। परिवार वाले दुविधा में थे, सोच रहे थे कि कहीं इन्हें भूत प्रेत तो नहीं चढ़ गया। लेकिन दर्शनलाल जी तो दीन दुनिया से दूर दैविक शक्तियों से बातें कर रहे थे। वैष्णो देवी की परम भक्त मौसी को भी दिव्य शक्ति से संदेश आया कि ये हमारा बालक है, अब ये वो कार्य करेगा जिसके लिए इसका जन्म हुआ है। शनिवार ने कोई माता दा ऐसी भगत कहने लगे, शांति तो उन्हें बुला, वो सब कुछ दस देगा, जो कुछ होएगा उन्हें बुला के लिया। कहिंदे ने कि भैन जी तुसी कहिंदे नूं बाहर दी कोई चीज़ चंबड़ी है, बाहर दी चीज़ तो इन्हां कोल कोई नहीं, इन्हां दे मगर ते बड़ी शक्ति भारी खलोती है, मैनूं दर्शन होए ने। तो कहन लगे फिर किस तरह करना है? कहिंदे ने हे हुण 11 बजे तो अपने आप दसणगे। फिर 11 बजे दस दिता इन्हां सब कुछ कि असीं 13 साल दे सां उत्थे महाराज मिले, इस तरह होया, उस तरह होया, पट्ठे चकाए, सारा कुछ इन्हां दस दिता। उन्होंने सारे देव देवतियां दा दर्शन होने शुरू हो गए महाराज नूं। ये फिर देखन लग गए कि भी सारे इकट्ठे हो गए ने, कोई माता वैष्णो, कोई चिंतावंती, कोई सब देवी देवते जो भी सन सारे इदा इन्हों सारिया दीवारों पर नज़र आने लग गए। फिर ये उन्होंने गल्लां करन लग गए। बाद सानूं कहन लगे कि भी जरा को होश आई सानूं, फिर वो खुद जिहड़ी पावर सी मगर ताकत वो सिर ते बोलन लग गए। वो कहन लगे कि असीं सब कुछ जानने आ, सानूं पता है बालक ते की होया की नहीं, असीं इहदी रक्षा करन वास्ते आ गए हाँ, अगस्त 1971 की तिथि बड़ी महत्वपूर्ण थी। इसी दिन 3 पावन पर्व थे।
भारत की स्वाधीनता, पूर्णिमा और रक्षाबंधन। यह त्योहार स्नेह के बंधन का प्रतीक है, क्योंकि भगवान विष्णु दैत्यराज बाली से प्रसन्न होकर उसके द्वारपाल बने थे, जिन्हें देवी लक्ष्मी ने बाली को स्नेह युक्त रक्षा बांध कर मुक्त किया था। शायद इस सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति उसी दिन दर्शनलाल को माया एवं सांसारिकता के बंधन से मुक्त कर संपूर्ण मानवता की सेवा के स्नेह के बंधन में बांधना चाहती थी। इसलिए उसने ऐसे पवित्र दिन सिर्फ 17 साल की उम्र में दर्शनलाल को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया। आज ही उन्हें परमपिता परमेश्वर का आदेश मिला था कि अब वही कार्य करो जिसे करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। उन्होंने लोगों की भलाई का संकल्प लिया तथा अपना नाम दर्शनलाल से बदलकर दर्शनदास रखा, दास यानी ईश्वर का दास। उसी दिन से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को ज्योति पर्व मनाया जाता है।